हेलो दोस्तों नमस्कार, और आज फिर आपको ले चलता हूँ एक नए सफ़र पे। और आज हम पहुँच रहे हैं भागवत कथा में। आज भागवत कथा का समापन है, भंडारा है, तो आप सभी लोगों को भंडारे में ले चलता हूँ। और थोड़ा दूर है यहाँ से, पैदल रास्ता है वॉकिंग डिस्टेंस में, तो ये चलते हैं आपको सीधे भागवत कथा में। अभी वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की आहुति दी जा रही है, और इसके साथ साथ भंडारे का समापन होगा आज। चलिए चलते हैं सीधे कथा की ओर। देखिए दोस्तों, मेरे साथ साथ कुछ श्रद्धालु भी बैठे हैं, जानने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ये देखो, कुछ ये हैं साथ वाले, ये भी साथ चल रहे हैं। वो ये हर्षित है, और ये बकरी चराने आया है। देखो ये इनकी बकरियाँ हैं, ये अभी आप बकरी चलाने के बाद ये सीधे अभी भागवत कथा में आएगा। ठीक है, आना। हाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, ये देखिए, ओम नमः शिवाय। ये देखो, हनु हनुमंते नमो, जय हो। और साथ में यहाँ पर जो पहले एक बाबा लहरी नाम से यहाँ पर रहते थे, अब वो यहाँ पर है नहीं, तो उनकी समाधि है। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत मंदिर है, पंचवाटिका हनुमान मंदिर नौघर। ये देखिए, ये भंडार कक्ष है, ये बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कथा में जाने के लिए लोग चल रहे हैं। ये देखिए, वो सामने हमको अभी यहाँ से वहाँ पे वहाँ जाना है। हमको अभी इतना लंबा सफ़र तय करना है हमको यहाँ से। ये देखिए, चलते हैं, साथ बने रहिए, आपको लिए चलते हैं सीधे भागवत कथा में। मैं दोस्तों, हम पहुँच गए हैं, और हम आए हैं वहाँ से, ऐसे ऐसे आए हैं यहाँ से घूमते हुए। और हम ये देखिए सर, ये देखिए, हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल मंदिर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ हो रहा भागवत, ये मंदिर, ये चलिए वही लेके चलता हूँ आपको। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये गेट है, ये बहुत बढ़िया गेट बना रखा हमने मंदिर कमेटी ने। ये देखिए, अपने घर गृहस्थी से मन हटा करके माँ के चरणों में। ये देखिए, छोटा बच्चा सबको तिलक लगा रहा है। परम माँ भगवती महामाया करुणामयी दयामयी माँ भगवान चक्र छोड़ा और कहा चक्र जहाँ रुक जाएगा वहीं जाकर के सत्संग के लिए भूमि श्रेष्ठ होगी। वह चक्र जाकर के यूपी में सीतापुर जिले के पास में नेमी सारे क्षेत्र है, वहां आकर के वो चक्र तीर्थ भी कहा जाता है उसे। उसी समय व्यास जी आए और व्यास जी ने कहा, राजन तुम्हें अपने पिताजी जो रह गई और यहाँ पूरियां बन रही है, तुम्हें देवी भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। तो महाराज बोले, अब आते हैं उन सब के लिए श्रीमद देवी भागवत का विशेष रूप से अनुष्ठान और पारायण किया जाता है। प्राय देवी भागवत की कथाएं कम होती हैं। पहला कारण तो यह कि महाराज हर कोई कथा देवी भागवत तो मर्यादित होकर की कथा कहनी पड़ती है। इस कथा का जब शुरुआत हुई, महाराज जन्मेजय महाराज ने प्रश्न किया था, महाराज तुलसी की भी महिमा बताई।
यहाँ गर्मी बहुत है तो संभालो लोग, छाया में बैठे यहाँ पर देखो। कुछ श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं छाया में आराम से। और देश भारत का जो 15 वर्ष की आयु तक पूजा रहना चाहिए, परंतु आजकल भारत जो संस्कार के संबंधी हो वह पतित हो जाता है। पंडित जी रक्षिता का मानते हुए जो मनुष्य है वो कितना भी कुछ भी करे जीवन में उसे लगता ही हमारे घर में जो बनाया गया है सत्य सनातन धर्म, आज से नहीं आदि काल से भगवान राम कृष्ण इसी में पैदा हुए, इन्होंने सनातन धर्म चलाया नहीं है। ये तो शाश्वत है, ये महामाया शक्ति तृतीय तृतीय धाम बताया धर्म है कि ये तो अनादि काल से ब्रह्मा विष्णु ने भी नहीं चलाया इसको, ये महामाया शक्ति है। आदम मेले बाजार अपने माता पिता के चरण छूते थे, बच्चों को भी प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए, चाहे वो बालक हो या बड़े हो, जिसके भी माता पिता हैं। और बहुओं को तो विशेष करके छूना चाहिए अपने सास ससुर को, उनके आशीर्वाद से यश विद्या और बल तीनों प्राप्त होते हैं। यशो विद्या तपो बल, कभी कभी दबा लेने भी चाहिए, हो सकता है सासु माँ तिजोरी में कुछ छुपाए हो, सेवा के बहाने मिल जाए। और सासु माँ को भी मारा है उसको बहू नहीं समझना चाहिए, बहू को बहू समझेगी तुम्हारा घर में प्रसाद बहू का सीरियल चालू हो जाएगा, बहू को बेटी की तरह समझे और बहू उसको अपनी माँ के समान समझे, उस घर में कभी कलह नहीं होगा। जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है और अपने माता पिता की सेवा करता है तो कल तुम्हारे बच्चे 100% सेवा करेंगे, इसमें संदेह नहीं। और आज आपने सेवा नहीं की महाराज तो कल वो भी कह देंगे जाओ भंडारा, बहुत धर्मशाला खुली है वहां पर, वृद्धाश्रम खुले हैं वहां जाकर के रहना। संस्कार माँ दे सकती है, माँ प्रथम गुरु होती है। शादी किया नंदी को, नंदी से कहा बेटा शांत हो जाओ, ये ससुराल की गालियां हैं, ससुर की गालियां हैं, ससुराल में नहीं पीने तो यहाँ दे रहे हैं, कोई बात नहीं दे रहे हैं, शांत हो जाओ।
Oh,
तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आई हो, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आई हो, ये भाई तुम्हारे तेरे काम आए, तुम्हे भाई तुम्हारे तेरे काम आए, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आए, Thank you.
Thank you.
कथा का बारे और अंतिम प्रस्तुति आपके बीच जो लोग डांस करने वाले डांस कर सकते हैं शरीफा जो Thank you.
किनारे का प्रसाद लेते हुए। और इसी के साथ आज का हमारा भंडारा समाप्त हो चुका है और हम निकल रहे हैं गेट से बाहर। ये देखिए, हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक देखते रहिए, बने रहिए साथ में और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके बाय।